हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी के दिन भारत का वित्त मंत्री हमारा बजट पेश करता है। इस बजट के अंदर कर्मचारियों के लिए एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एनपीएस क्या होता है। एनपीएस जो कर्मचारी के भविष्य में मिलने वाली पेंशन के लिए उसकी सैलरी में कटौती की जाती है, उसे हम एनपीएस कहते हैं। ये न्यू पेंशन स्कीम है जिसे 2003 में वाजपेयी सरकार के समय पर लागू किया गया था। फिलहाल वित्त मंत्री ने इसमें कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। पहला, आईटीआर भरने में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। यानी कि यदि आपने आईटीआर भरते समय कोई गलती कर दी तो अब आप उसको 2 साल तक ठीक कर सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर आप 2 साल में स्वयं उसको ठीक करते हैं तो। दूसरा, जो राज्य सरकार के कर्मचारी थे उन्हें टैक्स के रूप में पहले 10% मिलता था। जैसे कि 10% कर्मचारी की सैलरी से काटा गया और 10% ही सरकार उसके अकाउंट में डालती थी, परंतु अब जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को 14% टैक्स मिलता था, वैसे ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% टैक्स मिलेगा। तीसरा तीसरा जो बदलाव किया गया उसमें 1.5 लाख तक अगर आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होते हैं तो वो टैक्स फ्री होंगे 80C सेक्शन के तहत। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी ऐसी जानकारियां लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।